जहां अखिलेश सरकार पूरे प्रदेश में विकास की अलग जगाने और आम गरीबों की हमदर्द बनने की कोशिश कर रही है, वहीं सपा सरकार की कतिपय विभाग और उनके अधिकारी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे दिख रहे हैं। ऐसा ही एक मामला वन विभाग में सामने आया है और एक ग्राम प्रधान ने भारी घोटाले का आरोप लगाया है। महानगर को हरा भरा रखने के उद्देश्य से गोरखपुर का वन विभाग अपने खाली जमीनों पर आए दिन पौधरोपण करता है। पौधरोपण करने से पहले जॉब कार्ड धारक जब वन टांगिया मजदूरों से जमीन में गड्ढे कराए जाते हैं, लेकिन कुसमी जंगल में वन विभाग द्वारा ये काम ट्रैक्टर से कराए जा रहे हैं। अलबत्ता कुछ ग्राम प्रधानों ने जॉब कार्ड भी रखवा लिए हैं। कुसमी जंगल का ये नजारा भारी घोटाले की ओर इशारा करता है। इस मामले में वन विभाग के आला अधिकारी मौन हैं, लेकिन रजही गांव के प्रधान ने इस भारी घोटाले का खुलासा किया है।